हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में अपने पास मतलब अलग ही सेगमेंट आया है, और ये सेगमेंट चैनल पे शायद एक आखिरी बार आया होगा तो आया होगा। तो आज अपने पास है स्पोर्ट्स एंड प्लेटिना, टीवीएस की तरफ से स्पोर्ट्स 110 एंड प्लेटिना 110, दोनों बाइक जो माइलेज के लिए जानी जाती है। बट आज जो है हम लोग इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, जो कि अलग होगा। भाई ये सब बाइक परफॉर्मेंस के लिए नहीं होती है, माइलेज के लिए होती है। लेकिन देखेंगे कि भाई 110 सीसी कैसा परफॉर्म करती है। पहले लुक दिखाते हैं, तो लुक देख सकते हो भाई, काफ़ी प्यारी दोनों बाइक लग रही है सामने से। एंड प्लेटिना भी काफ़ी अच्छी लग रही है, टीवीएस स्पोर्ट्स भी अच्छी लग रही है। लास्ट में मैं रफ्तार का एक ओपिनियन लूंगा कि कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है। दोनों बाइक जो यहाँ पे भी चार गियर में आती है, प्लेटिना में आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाता है, स्पोर्ट्स में भी आपके पास ऑप्शन है, बट प्लेटिना में एक ऑप्शन 5 गियर वाला और ABS वाला भी आता है। और यहाँ पीछे से देख सकते हो, तो पीछे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पोर्ट्स बेटर लगती है, स्पोर्ट्स का पीछे का बेटर। ये थोड़ा पतली हो जाती है, वो थोड़ा सा चौड़ी सी लगती है। मतलब फ्रंट और बैक से दोनों तरफ से स्पोर्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टैंड करती है प्लेटिना से, बट वो तो अलग चीज़ होता है, चलाने में कौन कैसा परफॉर्म करता है वो चीज़ है। टायर साइज़ भी आप देख सकते हो, टायर साइज़ भी आपको दोनों का लगभग अच्छा ही है, ज़्यादा मोटा नहीं है। लेकिन आपको टीवीएस स्पोर्ट्स में थोड़ा मोटा मिल जाता है, 3.0 का मिलता है, एंड इसमें आपको 80 का मिल जाता है। तो थोड़ा सा फ़र्क है टायरों का दोनों का, क्योंकि ये बाइक माइलेज के लिए होती है, तो माइलेज के रिलेटेड से इन दोनों को बनाया जाता है। बैक नॉइस काफ़ी आ रही है, क्योंकि भाई इधर बस स्टैंड है, तो ये तो सेफ लोकेशन है बट बस स्टैंड की वजह से। बाकी इन सब बाइकों में कोई मीटर क्लस्टर में कोई उतना खास ये नहीं होता चेंज। तो ये देख लो, इसमें भी सिंपल सा मीटर क्लस्टर है आपका, और इसका भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख पा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें भी आपको वही सिंपल सा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। हाँ, साइड से भी अगर देख ले तो साइड से भी काफ़ी प्यारी दोनों लगती है। मतलब हाफ में अगर देखा जाए तो प्लेटिना और स्पोर्ट दोनों अच्छी लगती हैं, नो डाउट, बट पीछे में थोड़ा सा स्पोर्ट्स आगे निकल जाती है, तो ये चीज़ है। तो चलो अब लेट नहीं करते हैं, कंपेरिजन तो आपने देख लिया, दोनों लगभग 80-85 हज़ार के आसपास में आती है, 80-85 यही इन दोनों का रेंज है, बट दोनों माइलेज के लिए जानी जाती है, दोनों का क्लेम 80-100 के बीच का। तो अब लेट नहीं करते हैं, मिलते हैं GoPro पे और भगाते हैं और देखते हैं कौन होता विनर। हाँ सब आगे है, याद है इसका सब पीछे। सो अब जो है मैं आ चुका हूँ स्पोर्ट्स पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं स्पोर्ट्स चला रहा हूँ, एंड रफ्तार जो है प्लेटिना चला रहा है। तो विश्वजीत का भी चैनल है गोकू ब्लैक, देखिएगा ज़रूर। तो शुरू करते हैं। प्लेटिना थोड़ा आगे है, बट अभी स्पोर्ट्स आगे लगता है, गियर फंसा। नाइन्टी जा चुकी है, नाइन्टी फाइव, भाई साहब 95 चली गई ये बाइक। अब उससे पूछते हैं कि वो कितना गई, क्योंकि इसमें मीटर 140 का आता है और उसमें आपका 120 का आता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें गियर फंसा है, थोड़ा सा उसका उल्टा गियर है, गियर फंसा था लगा ही था, लीड तो बना ही दिया था, बाकी साला गियर फंस गया, लीड का बगल में आ गई थी, ये बगल में आ चुकी थी, बट कोई ना, सिगन एंडम करके देख लो कि कैसा परफॉर्मेंस। हाँ ये चीज़ तो टक्कर रहा था, बट अभी देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, इसका तो पीछे है सारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट था वो था कि देखिए, हाँ लॉन्च तुम कुछ सेकंड पहले कर दिए थे, तो लॉन्च थोड़ा अर्ली क्या था, ऐसे टक्कर होगा, थोड़ा एक्सेलरेशन इसका थोड़ा सा फास्ट है, बट अगर देखा जाए स्पोर्ट तो इसने टॉप स्पीड में कवर करना शुरू किया था, बट ये तो चीज़ अलग है। अभी जो सेकंड अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कौन होता है सेकंड अटेम्प्ट में विनर। तो चलो शुरू किया जाए, थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो इस बार भी फिर रफ्तार ने थोड़ा पहले लॉन्च दिया, पहले लॉन्च था, बट यहाँ प्लेटिना रोलिन कर रही है। नहीं भाई, प्लेटिना थोड़ा सा जल्दी क्विक लग तो रही है यहाँ पे, बट स्पोर्ट्स भी बगल में है, दोनों लगभग टक्कर ही पे है।
अगल बगल है फैलर लिए। स्पोर्ट्स निकल रही थी। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विनर जो है स्पोर्ट्स जाएगी प्लेटिना से। बट दोनों का एक तरीके से पता है परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है, पहले ही थोड़ा सा मिस शिफ्ट वगैरह की वजह से हो जाता है, बट देखा जाए तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना एक्सीलरेशन वगैरह सब सेम ही है दोनों बाइकों का। हाँ, ये चीज़ कह सकते थोड़ा सा टॉप में ना ये थोड़ा सा निकलता है। तो ये चीज़ है, बट ये सब बाइकों से ना कोई टॉप स्पीड आदमी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। माइलेज वाली बाइक है लेकिन 90 काफ़ी जल्दी जा रही है। थोड़ा सा अगर स्ट्रेच सीधा मिल जाए चढ़ाव आ जाता तो इसलिए 95 चला गया था। तो दोनों बाइक लगभग वो भी 95 चला गया था, लेकिन चढ़ाव आ जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पे स्पीड रुक जाती है। तो ये चीज़ था, अंधेरा हो चुका है एंड होप सो कि वीडियो में अच्छे से दिखा हो मीटर है ना। बाकी अब वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आपको भी जो आइडिया था वो मिल गया कि कैसा दोनों का परफॉर्मेंस रहेगा। तो दोनों लगभग सेम ही है, स्पोर्ट्स टॉप में होता है कि निकल जाती है, बाकी एक्सीलरेशन लगभग दोनों का सेम है, थोड़ा सा शिफ्टिंग का जो भी खेल है यहाँ पे। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ़।